नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। वैज्ञानिकों को पूर्वानुमान नहीं था, सरकारों की तैयारी नहीं थी, कोरोना की दूसरी लहर आई और सच्चाई सबके सामने। किस तरीके से पूरी आबादी तड़प रही है, किस तरीके से सुविधाओं की कमी दिख रही है, लेकिन इस दूसरी लहर का जो पीक है, यानी कि वो समय जब सर्वाधिक आंकड़े आएंगे, जिसके बाद आंकड़े घटना शुरू हो जाएंगे, वो तारीख कब आएगी, उससे कितनी दूर है हम, दूसरी लहर खत्म कब होगी, और साथ ही तीसरी लहर को लेकर जो बातें की जा रही हैं, जो फोरकास्ट दिया जा रहा है, उनके हिसाब से तैयारियों की सूरत क्या है। क्या बीत गया कोरोना की दूसरी लहर का सबसे खतरनाक दौर? To summarize all of that in one single number, if you take the nationwide total cases, we anticipate a peak by the end of next week. दूसरी लहर यहाँ तक हमारा अंदाज है जुलाई के महीने तक काफी कम हो जाएगी। क्या दूसरी लहर का कहर तीसरी लहर का सिर्फ ट्रेलर है? SARS coronavirus to go from here. A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape. And therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. कोरोना की तीसरी वेव में क्या युवा बुजुर्गों से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो सकते हैं? थर्ड वेव में एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि अब सिर्फ 18 से कम वाले लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं रहेंगे, और उन बच्चों की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी बहुत अलग होते हैं, उनके लिए हमें पीडियाट्रिशियन चाहिए होते हैं, तो हमें अभी से तैयारी करनी है। दुनिया में जहां जहां कोरोना की तीसरी लहर आई, वो दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक थी या कम? तो क्या हर देश में दूसरी लहर में ज्यादा इस समय इस वायरस ने तबाही मचाई है, या फिर भारत की स्थिति अलग? देखिए, दूसरी कई देशों में तो दूसरी लहर में इन्होंने काफी हंगामा मचाया था। इंग्लैंड एक एग्जांपल है हमारे पास। शहरों के बाद अब गांव में भी बड़े पैमाने पर फैल चुका है संक्रमण। क्या तीसरी लहर में गांव बनेंगे हॉटस्पॉट? दिन में कम से कम भी यहां पर 40 मौतें हो चुकी हैं, और हर शाम को यहां पर डॉक्टरों की टीम आती है। प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, गांव को नाकाबंदी कर दिया जाए ताकि बाहर का आदमी अंदर ना आए, अंदर के आदमी ज्यादा बाहर ना घूमे। क्या तीसरी लहर को रोकने का कोई उपाय नहीं है? क्या तीसरी लहर की तीव्रता को कम किया जा सकता है? हम पूरी तैयारी करें और ये देख लें कि जो कुछ हमने इस वेव से और पिछले वेव से सीखा है, उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें और वैक्सीनेशन को बहुत एग्रेसिवली करें, तो थर्ड वेव जो है वो इतना सीरियस नहीं होगा। सड़कों और बाजारों का जो ये सूनापन है, वो दूसरी लहर की तबाही के गवाही दे रहा है। सबके मन में सवाल ये उठ रहा है कि जो भारत पहली लहर में कोविड मैनेजमेंट के कारण पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना था, उससे दूसरी लहर के आकलन में गलती कहाँ से हो गई, और इसीलिए आज तीसरी लहर के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। तीसरी लहर को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। ये तय है, कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन ये तय नहीं कि वो कब आएगी, कैसे आएगी,
किस राज्य को सबसे पहले चपेटे में लेगी, उसकी संक्रमण दर कितनी होगी। SARS coronavirus to go from here. A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new wave. और कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। पहली बात तो ये कि तीसरी लहर फौरन नहीं आएगी, अगर आना भी है तो कुछ महीनों बाद आएगी, और तब तक यदि हम अच्छे से वैक्सीनेशन करवा लेते हैं और साथ ही साथ एक इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ज्यादा भीड़ वाली जगहों में ना जाएं, और यदि जाएं भी तो मास्क पहने, तो तीसरी लहर आएगी भी तो ज्यादा उसका कोई प्रभाव दिखने में नहीं आएगा। तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन ने चेतावनी दी है। उन्होंने दावे के साथ कहा है कि दूसरी के बाद तीसरी लहर का आना तय है, इसके पीछे कारण भी बताया है। प्रोफेसर राघवन के अनुसार कोरोना वायरस लगातार रूप बदल रहा है, वायरस में म्यूटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से तीसरी लहर का आना तय है। Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. तीसरी लहर की तीव्रता तीन फैक्टर पर निर्भर करेगी। पहला, अगले कुछ महीनों में हम कितने लोगों का टीकाकरण करते हैं। दूसरा, सुपर स्प्रेडर इवेंट को कितना रोका जा सकता है, और तीसरा, कितनी जल्दी वायरस के नए वेरिएंट्स की पहचान कर उसे रोकने में सफलता मिलती है। तो थर्ड वेव में हमें कुछ चीजों का ज्यादा ख्याल रखना होगा, मुझे लगता है। पहला कि अब अगले 2-3 महीने में हमें तैयारी पूरी रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट वेव के बाद जैसे हम पूरे रिलैक्स हो गए थे कि अब कोरोना चला गया है, अब सब कुछ ठीक है, पार्टीज, शादी ब्याह सब कुछ वापस शुरू हो गया था, तो हमें वो ढील नहीं बरतनी है। अगर ये सेकंड वेव होपफुली थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाती है तो हमें अपने आप को पूरा तैयार करके रखना है कि थर्ड वेव आ सकती है। तो सरकार भी उम्मीद है कि कोई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो नए बने हैं उनको डिसमेंटल नहीं करेगी, तैयारी पूरी रखेगी। तो वायरस जो अगले बार आएगा वो किस रूप में आएगा ये तो पता नहीं है। हमारे संसाधन इन दो चीज़ के लिए हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट्स, हमारे जनरेटर प्लांट्स हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर लगना शुरू हो गए हैं। इसके ऑर्डर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोग काम भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम हर एक CHCB पर करना शुरू कर दिए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए अपने टेक्नीशियन को और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिए हैं, और एक प्रकार का व्यवस्था इस तरह से बना रहे हैं कि जिसमें अगर वायरस इस रूप में फिर आता है या नहीं भी आता है तो हमारे नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी एक सुविधा हो जाएगा कि वेंटिलेटर जो हमारे यहाँ अक्सर नहीं रहते थे वो L3 की व्यवस्था में रहते थे तो वो भी हमारे यहाँ पर अब आना शुरू हो जाएगा। तो उस तरह से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में अपना तैयारी पूरा कर रहे हैं, और आगे की देखेंगे जिस तरह से भी वायरस आएगा उसका मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। दूसरी लहर की भयावहता को देखकर लोग तीसरी लहर के बारे में सुनते ही सकते में हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये डर बैठा हुआ है जो और अतिरिक्त बढ़ रहा है तीसरी लहर की बात से। पर क्या डरने की जरूरत है? क्या तीसरी लहर के स्वरूप को लेकर कुछ ऐसा आकलन वैज्ञानिक कर सकते हैं कि उसके लिए हम बेहतर ढंग से तैयार हो सके? जिस तरह से वायरस लगातार रूप बदल रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि मौजूदा वैक्सीन भी तीसरी लहर में वायरस से लड़ने में नाकाफी साबित हो सकती है। इसके लिए वैक्सीन को समय रहते अपडेट करने की जरूरत है, और जिस तरह से वायरस के व्यवहार में बदलाव आ रहा है उसे देखकर आशंका जाहिर की जा रही है कि तीसरी वेव दूसरी से भी ज्यादा घातक हो सकती है। एक नया स्ट्रेन जैसे आंध्र प्रदेश में अभी नया मिला है N440K, इसको एपी स्ट्रेन भी कहते हैं। इसको कंसीडर किया गया कि 15-20 टाइम्स मोर डेंजरस है प्रेजेंट स्ट्रेन से, जिसका नाम B1
B.1.617 और B.1.618 तीसरी लहर के आने के संकेत हैं, ये कितनी एक्यूरेट होती है ये तारीखें? एक्यूरेट तारीख एक्यूरेट होना होने का मतलब बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये संभावना जरूर है कि तीसरी वेव आएगी। अगर हम दूसरे कंट्रीज से भी हम देखें तो हर जगह ये देखा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट पीक्स आए हैं। हाँ, उन पीक्स का जो मैक्सिमा होता है, जो उसकी विड्थ होती है, वो वेरी करती है। आज की डेट में इंडिया में जो सेकेंड पीक देखा जा रहा है, ये बहुत ही भयावह है। हर जगह ये देखा गया है कि सेकेंड पीक फर्स्ट पीक से बड़ा रहा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। और ये एक हम सेकेंड जो वेव है और ये जो पीक है, इससे हम किस तरीके से डील करते हैं, इस पर पूरी तरीके ये पूरा ये तय करेगा कि हमारा थर्ड जो वेव होगा वो कितना खतरनाक होगा या कितना माइल्ड होगा, हम उससे कितना इजीली डील कर पाएंगे। मैथमेटिक्स मॉडल एक्सपर्ट प्रोफेसर एम विद्यासागर ने तीसरी लहर को लेकर एक मॉडल पेश किया है, जिसके अनुसार दूसरी लहर में ही बड़ी आबादी संक्रमित हो रही है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका टेस्ट नहीं हो रहा है या जो एसिम्प्टोमेटिक है। ऐसे में जो संक्रमित हो रहे हैं उनमें कम से कम 6 महीने तक वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन उसके बाद इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लानी होगी। 6 महीने के भीतर हाई रिस्क पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना होगा, ताकि तीसरी लहर दूसरी लहर जैसी भयावह ना हो। If you have an opportunity to get vaccinated, please do so. Please don't pass it up. तीसरी लहर के प्रभाव को कम किया जा सकता है, इसके लिए पहली और दूसरी लहर से मिले सबक को समझना होगा। भारत में पहली लहर सितंबर के महीने में पीक पर थी, इसके बाद केस तेजी से गिरे, जिसमें दो फैक्टर अहम थे। पहला, जिन लोगों को संक्रमण हुआ उनमें इम्यूनिटी बनी। दूसरा, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित बचाव के जो कदम उठाए गए उनसे संक्रमण कम हुआ। लेकिन दूसरी लहर में जिस तरह की लापरवाही हुई, चुनाव, कुंभ, होली जैसे मौकों ने सुपर स्प्रेडर इवेंट का काम किया, उसने दूसरी लहर को घातक बना दिया। दो चीजें थी, एक चीज तो ये थी कि हमने ये सोचा नहीं था कि वायरस इतना म्यूटेट करके इतना इन्फेक्शस हो जाएगा कि रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस 4 लाख तो कई लोगों ने सोचा था हो सकता है, पर ये सोचा था कि आस्ता आस्ता 4 लाख होंगे। जैसे पिछली दफा केसेस आस्ता आस्ता बढ़े थे तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को समय मिला। हमारे गणितीय मॉडल जिसके द्वारा हम इसकी ट्रैजेक्टरी को ट्रेस कर रहे हैं, उसके अनुसार ये लगभग अपने अधिकतम स्तर पे है इस समय, और कुछ दिनों के पश्चात आशा कर सकते हैं कि इसकी संख्या कम होने लगेगी। जहां तक प्रदेशों का सवाल है, उसमें कुछ प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश, ये अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच के अब धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो गए हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो लगभग अपने अधिकतम स्तर पे हैं, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, और कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक हैं जहाँ अभी अधिकतम स्तर पे आना बाकी है। तो जहाँ पे अधिकतम स्तर पे हैं या आना बाकी है, वहाँ पे विशेष ध्यान। पहली लहर में संक्रमित हुए लोगों में जो इम्यूनिटी बनी वो इतनी नहीं थी कि दूसरी लहर को रोक सके। कम इम्यूनिटी और बचाव के कदमों में ढिलाई से दूसरी लहर ज्यादा मजबूत हुई। साथ ही जहां इम्यूनिटी की वजह से वायरस को बेकाबू होने का मौका नहीं मिला, वहां पर उसने अपना रूप बदल कर लोगों को संक्रमित किया। तीसरी लहर में नेचुरली वायरस में होता है कि जो बढ़िया रेप्लिकेट करेगा वो आगे निकल जाएगा, तो हो सकता है जो डबल म्यूटेंट है वो जैसे अब फैल रहा है डबल म्यूटेंट, वो ज्यादा तेजी से बढ़ा, वो शायद पुराने को पीछे छोड़ देगा और नए नए वो मरीजों को के अंदर वो संक्रमित नए नए आदमी से अफेक्ट हो जाएंगे। ये तो जरूर है कि जो वैक्सीन अभी तक किए गए हैं और जो प्रोड्यूस किए गए हैं उनमें कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति है। बहुत से वेरिएंट्स जो हैं वो भी इसमें क्रॉस इम्यूनिटी से आप बच सकते हैं। थोड़े से वेरिएंट्स अभी दिखाई दे रहे हैं जहां पे वैक्सीन शायद इतना इफेक्टिव नहीं हो, फिर भी आपको वो मेजर इलनेस, सीवियर इलनेस, डेथ से बचा सकता है। लोग अगर ये कहें कि अभी दूसरे वेव से आप लोग पार नहीं पा पाए, तीसरी की बात कर रहे हैं, ये उनकी चिंता सही होगी या फिर हम ये कहें कि हम दूसरी से सबक ले रहे हैं इसीलिए तीसरी की तैयारी करनी चाहिए? देखिए श्वेता जी, समस्या को समझना और समस्या के बारे में सतर्क रहना बहुत जरूरी होता है।
हमारा सेकंड वेव का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ही इस वजह से है क्योंकि हम फर्स्ट वेव के बाद काइंड ऑफ ये मान चुके थे कि हम इससे बाहर आ चुके हैं। तो अगर आज की डेट में देश में ये चर्चा चल रही है कि तीसरी वेव आ सकती है, और अगर वो आती है तो हमें कैसे। भारत इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो दूसरी क्या तीसरी लहर से भी जूझ चुके हैं। ऐसे में दूसरे देशों के पैटर्न और उनके अनुभव से काफी कुछ हम सीख सकते हैं इस दूसरी लहर के बारे में भी और तीसरी लहर की तैयारी को लेकर भी। कोरोना से सबसे प्रभावित देशों में अमेरिका नंबर एक पर है। वहां पर अब तक कोरोना की तीन लहर आ चुकी हैं। पहली लहर का पीक अप्रैल 2020 में था, जबकि दूसरी लहर अगस्त 2020 में पीक पर पहुंची। जनवरी 2021 में यहां पर केस तेजी से बढ़े और तीसरी लहर ने दस्तक दी। जनवरी के बाद से अमेरिका में अभी तक केस कंट्रोल में है। कोरोना से सबसे प्रभावित यूरोपीय देश स्पेन में कोरोना की चौथी लहर का खतरा बना हुआ है। यहां पर केस तेजी से बढ़ रहे हैं। स्पेन में पहली लहर अप्रैल 2020 में पीक पर थी, जबकि दूसरी लहर नवंबर 2020 में सबसे तेज थी। यहां पर जनवरी 2021 में तीसरी लहर आई थी। फॉर्चुनेटली थर्ड वेव भी अब एक बहुत बड़ी रियलिटी लग रही है, जो हमने पहले एक्सपेक्ट नहीं की थी। पिछली सेंचुरी में जो स्पैनिश फ्लू आया था उसमें दो ही वेव्स आई थी, लेकिन उस वक्त ना तो हमारे पास वैक्सीन थी, ना दवाइयाँ थी, ना प्लाज्मा था, तो इसलिए हो सकता है कि वायरस इतना म्यूटेट ना किया हो जो अब कर रहा है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं वायरस को मिटाने की, तो जाहिर है कि वो भी कोशिश करेगा अपने आप को बचाने की और म्यूटेट जल्दी जल्दी करेगा। तो बहुत सारे म्यूटेशंस दिख रहे हैं हमें, डबल म्यूटेंट, अब ट्रिपल म्यूटेंट भी आ गया है, एक तेलंगाना वेरियंट भी दिख रहा है। तो ये सारे वायरसेस जो हैं ये काफ़ी मैसिव वे में थर्ड वेव क्रिएट कर सकते हैं। ये वेव अनफॉर्चुनेटली हम अब देखना शुरू भी हो गए हैं। स्वीडन और कनाडा में ये थर्ड वेव आ चुकी है, इस समय पीक कर रही है, जिस समय हम बात कर रहे हैं इट इज़ ऑलरेडी पीकिंग, और अनफॉर्चुनेटली वो सेकेंड वेव से भी थोड़ी बड़ी ही दिख रही है। अमेरिका और स्पेन के बाद फ्रांस में कोरोना की तीन लहर आ चुकी हैं। यहां पर पहली लहर अप्रैल 2020 में आई तो दूसरी लहर नवंबर 2020 में। वहीं इस समय फ्रांस तीसरी लहर के चपेट में है। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित ब्रिटेन में महामारी की दो लहर आ चुकी हैं। यहां पर अप्रैल 2020 में केस उछाल पर था, तो उसके बाद दूसरी लहर में जनवरी 2021 में ये अपने चरम पर था। लंबे लॉकडाउन के बाद ब्रिटेन में हालात सुधरे हैं, लेकिन तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। अगर हम दूसरी लहर ही अलग अलग देशों में देखें तो क्या हर देश में दूसरी लहर में ज्यादा इस समय इस वायरस ने तबाही मचाई है, या फिर भारत की स्थिति अलग है? देखिए, दूसरी कई देशों में तो दूसरी लहर में इन्होंने काफी हंगामा मचाया था। इंग्लैंड एक एग्जांपल है हमारे पास, काफी हंगामा मचाया वहां, यहाँ तक कि डॉक्टर बोरिस जॉनसन को तो इंग्लैंड कितने दिन तक लॉकडाउन करना पड़ा था। भारत में क्योंकि बिकॉज हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो दूसरी लहर में बहुत तेजी आई है। एक क्योंकि गलती हमारे पब्लिक ने भी बात नहीं सुनती थी, मास्क नहीं लगाता था, लेकिन वायरस में भी काफी म्यूटेशन हुए जिससे ट्रांसमिशन इसका बहुत तेजी से बढ़ा। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर संकट की बात की जा रही है, क्या है ये पूरी खबर विस्तार से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। कोई भी वायरस जब मनुष्यों पर अटैक करता है तो एक मुश्त नहीं बल्कि अलग अलग लहरों में अटैक करता है, अलग अलग समय काल में अटैक करता है। ये जो कोरोना वायरस है ये तो बहुरूपिया है, इसने अपने रूप को इतनी बार बदला है, और तीसरी लहर में बताया जा रहा है कि मुमकिन है कि ये बच्चों पर सबसे ज्यादा असर दिखाए। कोरोना की पहली लहर में सबसे ज्यादा संक्रमित हुए बुजुर्ग, कोरोना की दूसरी लहर में युवाओं में हुआ तेजी से संक्रमण।
क्या तीसरी लहर में बच्चों पर है सबसे ज्यादा खतरा? बच्चों में अभी तक जो भी स्ट्रेन पाए गए हैं वो ज्यादातर करके बहुत माइल्ड हैं और मेजर इलनेस नहीं होता है। बहुत रेयरली कुछ बच्चों को बहुत सीवियर बीमारी हो सकती है। हम जो एडल्ट हैं, हमारे ऊपर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम थर्ड वेव में कैसे अपने चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपना ये जो मास्क पहनना है और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए गए हैं उनको कंटिन्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि हम जो हेल्थ केयर पे और जो हेल्थ सेटअप है उस पे जो लोड है उसको कम से कम करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीसरी लहर के दौरान बच्चों में संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कहा है कि जब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पर भी असर होगा, अगर बच्चे संक्रमित हुए तो फिर सरकार की क्या तैयारी है? क्योंकि बच्चे खुद तो अस्पताल जा नहीं सकते, इसलिए अभी से तैयारी करनी होगी, वैज्ञानिक प्लान बनाना होगा, बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में सोचना होगा। पहले वाला 5-6 डेज ले लेता था एक एग्रेशन में आने में, ये 2-3 डेज या 3-4 डेज में ही आ रहा है और इसमें मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा इम्यून लोग भी ससेप्टिबल है, जैसे फिटनेस फ्रीक लोग भी और हाई इम्यून लोग भी इसमें ज़्यादा पकड़ में आ रहे हैं। कोरोना एक बहुरूपिया वायरस है, हर लहर के साथ वो अपना रूप बदल रहा है। रूप बदलने के साथ साथ वो अलग अलग उम्र के लोगों को निशाना भी बना रहा है। 2020 की पहली लहर में वायरस ने 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को निशाना बनाया। दूसरी लहर में बुजुर्गों के साथ साथ 30 साल से अधिक उम्र के लोग भी संक्रमित हुए। वैक्सीनेशन आपका एक ऐसा वेपन है जो आपको इस महामारी से बचा सकता है। तो एक पहली चीज है कि हमें जल्द से जल्द जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर सकते हैं वो बहुत ही जरूरी है, ताकि जब आप 50 या 40 के ऊपर लोगों को वैक्सीनेशंस दे चुके हो, ज्यादा से ज्यादा आप एडोलेसेंट्स और जो 12 से 18 के बीच में लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दे सकते हैं। देश में 45 साल से ऊपर की कुल आबादी में 31% लोगों को पहला टीका लग चुका है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए भी 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इसलिए कोरोना की आने वाली लहर में अब उन्हें बड़ा खतरा है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और इसमें सबसे बड़े रिस्क की कैटेगरी में 18 साल से कम उम्र की आबादी होगी। बच्चे बिल्कुल ही अलग तरह से बिहेव करते हैं, उनके अंदर डिजीज प्रोसेस अलग तरह से बिहेव करता है, उनके अंदर दवाइयां अलग तरह से एक्शन करती हैं, कुछ दवाइयां हैं जो उनको हम दे सकते हैं। भारत में 0 से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप की आबादी देश की कुल आबादी का 30% है। इस आबादी में वायरस से लड़ने वाली हर्ड इम्यूनिटी अब तक तैयार नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए जरूरी है वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो तीसरी लहर में बच्चे ही इन्फेक्शन के कैरियर बन जाएंगे और दूसरों को संक्रमित करेंगे। तो बच्चों की ऊपर जो बीमारी है वो बढ़ रही है, सीरियस बीमारी भी हम देख रहे हैं बच्चों में हो रही है। थर्ड वेव में अनफॉर्चुनेटली एक और प्रॉब्लम ये आएगी कि बच्चे ही ऐसे रह जाएंगे जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई। तीसरी लहर में 6 से 12 साल के बच्चों को संक्रमण से सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। इसे लेकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कान भी खड़े हो गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे महाराष्ट्र ने अभी से तीसरी लहर के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे, इसलिए उद्धव ठाकरे सरकार एक स्पेशल पीडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है जो राज्य में बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर्स बनाएगी। महाराष्ट्र में करीब 6,000 पीडियाट्रिशियन जिन्हें बच्चों में कोरोना के इलाज के लिए ट्रेन किया जा रहा है। बच्चों में टीकाकरण नहीं हो रहा है, इसलिए अगर उनको कोरोना बाधित हो जाता है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम उनके लिए खास तौर पर SNCU जो बेड्स है वो SNCU बेड्स हम खास तौर पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं, उनका जो मार्गदर्शन रहेगा, उनकी जो भी गाइडलाइन रहेंगे उनके मुताबिक हम उसके मेडिसिन जो लगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अलग तरीके से मेडिसिन लग सकते हैं, उनके वेंटिलेटर्स अलग तरीके से होते हैं, तो ये वेंटिलेटर्स हो ये मेडिसिन हो उसकी भी तैयारी करना उतनी ही जरूरी है। तो और छोटे बच्चे होते हैं उनको उनके माँ के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसे वक्त किस तरह से तैयारी करना जरूरी है, ये सब के बारे में पूर्व सोच होना जरूरी है। पूरी दुनिया में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन पर काम तेजी से चल रहा है।
कनाडा पहला ऐसा देश बन गया है जहां 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। ये वैक्सीन अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और बायोनटेक की है। इस वैक्सीन का ट्रायल अमेरिका में 12 से 15 साल की उम्र के 2000 बच्चों पर किया गया था और ये पाया गया था कि बच्चों में भी ये वैक्सीन उतनी ही प्रभावी है जितनी बड़ी उम्र के लोगों पर ये प्रभावी है। अमेरिका में भी अगले हफ्ते तक 12 से 15 साल के बच्चों को इस वैक्सीन की मंजूरी मिल सकती है। ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन भी इसे जल्द ही मंजूरी दे सकते हैं। कि अगर आप यूएस को देखें, यूके को देखें, अभी तक जो भी कुछ ट्रायल हो चुके हैं वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं बच्चों में। 12 से 15 से लेकर फाइजर वैक्सीन ने अभी अपने ट्रायल्स कंप्लीट किए हैं, बहुत ही सेफ है, 100% इफेक्टिविटी दिखाई दे गई। यहाँ पे यूके में ट्रायल्स चालू हैं और ऐसा लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक बहुत से देशों में बच्चों को वैक्सीन देना शुरू हो जाएगा। भारत में भी बच्चों के लिए वैक्सीन पर काम तेजी से हो रहा है। ऐसी वैक्सीन के पीडियाट्रिक ट्रायल में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक बार सरकार से ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो 90 दिन के अंदर बच्चों के लिए वैक्सीन रोल आउट हो सकती है। इसके लिए को वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन भी दे चुकी है जिसे जल्द ही ट्रायल की मंजूरी भी मिल सकती है। शहरों में सुविधाएं थी, उसके बावजूद कोरोना की इस दूसरी लहर के सामने क्या हाल हुआ सबने देखा है और अभी भी देख रहे हैं। हालांकि इस दूसरी लहर में भी छोटे कस्बों और गांवों तक कोरोना वायरस पहुंचा है, लेकिन अगर तीसरी लहर में वाकई गांव-गांव तक इसकी पहुंच होने वाली है जैसा कि बताया जा रहा है तो कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है और इसीलिए प्रशासनिक तैयारियां, सरकारी तैयारियां उस हिसाब से बहुत जरूरी है। हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे, लेकिन टीयर टू टीयर थ्री सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी। जिस बात का अंदेशा पीएम मोदी ने जाहिर किया था वही हुआ। शहरों के बाद अब गांव में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। यूपी पंचायत चुनाव हो या फिर मजदूरों का पलायन, शहर से चली महामारी अब गांव में भी तबाही मचा रही है। पंचायत चुनाव के बाद यूपी के गांव में कोरोना का कहर सुनामी बनकर टूटा है। रायबरेली के सुल्तानपुर खेड़ा गांव में कोरोना जैसे लक्षणों के चलते एक हफ्ते में एक दो नहीं बल्कि 17 लोगों ने दम तोड़ दिया है। गोंडा के चक्रौती गांव में 22 दिन के अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, सभी में कोरोना जैसे लक्षण बताए जा रहे हैं। देवरिया के आसपास के गांव में शमशान पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। कटैलवा मुक्ति धाम में कोरोना के चलते रोजाना 60 से 70 लाशें जलाई जा रही हैं, जिससे यहां के गांव वाले डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव गांव में कोरोना संक्रमण की प्रमुख वजह बन गया है। पहले तो पंचायत चुनाव में बिना किसी रोक टोक के लोग देश के दूर दराज इलाकों से अपने गाँव में वोट डालने और अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने आए। दूसरी ओर पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले ज्यादातर कर्मचारी और टीचर थे, जिनमें से ज्यादातर का संबंध किसी न किसी रूप से गांव से था। जब ये लोग वापस गांव गए तो अपने साथ कोरोना संक्रमण लेकर पहुंचे। 2 तारीख को बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे, फिर जिस दिन बड़े पापा का तिरही था उस दिन दादी एक्सपायर हो गई, उसके दूसरे दिन हमारे भाई एक्सपायर हो गए, जॉन्डिस हो गया था, उसके 22 तारीख को मम्मी एक्सपायर हो गई थी सांस की बीमारी से, और फिर 24 तारीख को पापा एक्सपायर हो गए थे सांस फूलने के कारण। तस्वीरें हरियाणा के रोहतक के गांव टिटौली की हैं। यहां पर पिछले 10 दिनों में करीब 40 गांव वालों की कोरोना से मौत हो गई है। एक दिन में ही 11 चिताएं यहां जल चुकी हैं। सर गांव में एक डर का माहौल है जिसमें थोड़ा हल्का बुखार होता है, बुखार होने के कारण सांस रुक जाता है, रुकने के कारण ही मौतें हो रही है सर। रोज टेस्टिंग चल रही है, जो पॉजिटिव मिल रहे हैं उनको उनके घरों में या आइसोलेशन किया जा रहा है। फिर भी कुछ लोग नहीं मान रहे थे तो हमने खुद घूम के ये बोला कि स्कूल के अंदर आइसोलेशन बनाया जाएगा और वहाँ बंद रखे जाओगे अगर घर से बाहर निकले तो। पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। जब मौतें ज़्यादा होने लगी तभी प्रशासन से गुहार लगाई, SDM साहब से, SP साहब को भी बोलिया, तो उन्होंने डॉक्टरों की स्पेशल टीम भेज दी यहाँ,
रोज टेस्टिंग चल रही है। अप्रैल में 21 डेथ हुई है, मैंने जैसा आपको बताया कि उनमें से केवल 4 ही जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी लोगों ने जहां ना तो टेस्ट कराए हैं और ना वो मानने के लिए तैयार हैं कि उनके जो घर में मृत्यु हुई है वो कोरोना से हुई है। नहीं, गांव में मैंने आदेश दे दिए कि एंटीजन टेस्ट घर घर जाकर किए जाएं और बड़ी संख्या में हमने टीम सारे आशा वर्कर्स और सबको हमने वहां पर लगाया है कि टेस्ट किए जाएं, एंटीजन टेस्ट किए जाएं और वो हमारा काम शुरू हो चुका है। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, अभी वहां पर जो सीएससी पीएससी हैं उन सब में हम जो आइसोलेशन बेड्स सब जगह पर इंतजाम हम कर रहे हैं और किए हुए हैं और बहुत सारे गांव में अभी भी चालू किए जा रहे हैं कि और कुछ गांव में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जा रही है। बिहार के गांव में भी कोरोना ने खौफनाक दस्तक दी है, गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। गया के डुमरिया के बरहा गांव में 40% लोग कोरोना जैसे लक्षण से पीड़ित हैं। ऐसी ही तस्वीरें दूसरे गांवों की हैं। राजस्थान के गांवों का भी बुरा हाल है, दूसरी लहर ने राजस्थान के कई गांव में तांडव मचा दिया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के खीरवा गांव में एक संक्रमित शव को छूने से पूरा गांव कोरोना की चपेट में आ गया। पिछले 10 दिनों में 20 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भी वहां पे केसेस आए हैं, सभी को जो है हमने अपने तरफ से जो जितना भी उपचार दे सकते हैं, चाहे घर पे रह के चाहे अस्पताल में भर्ती करा के देने का प्रयास। दूसरी लहर ने जिस तरह से गांव में दस्तक दी है, तस्वीरें डराने वाली हैं। अगर जल्द ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो महामारी और विकराल रूप ले सकती है। तीसरी लहर से बचने के लिए हमारी तैयारी की स्थिति क्या है, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। दूसरी लहर का कोहराम है, लेकिन तीसरी लहर के लिए अगर हमारे पास जानकारी रहेगी तो हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब ये समझने की आवश्यकता है कि पहली लहर में इस वायरस का कैसा स्वरूप देखा गया था, और ये समझने की आवश्यकता है कि तीसरी लहर में क्या क्या बातें कही जा रही हैं, क्योंकि पहली लहर में हमने देखा था कैसे मास्क, पीपी किट्स, उसकी कमी थी, हम आत्मनिर्भर बने। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन के हिसाब से आत्मनिर्भरता बनाई जा रही है। तीसरी लहर के ऐसे वो कौन से कोण हैं जिनकी तैयारियां करने से हमारे मन का डर कम से कम दूर होगा, क्योंकि लहर तो आनी है, तैयारी तो करनी ही होगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का आना तय है, लेकिन तीसरी लहर में कम से कम तबाही हो, कम से कम लोग संक्रमित हो, इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। इसके लिए सरकारी प्रयास के साथ साथ जन भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। सबसे जरूरी है जागरूकता, हमें कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर वैसे ही जागरूकता दिखानी होगी जैसी पहली लहर के समय थी। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में हिचक को खत्म करना होगा। क्या ये वायरस इतनी तेजी से बदल रहा है कि विज्ञान उससे कदम ताल नहीं कर पा रहा? क्या मैं आश्वस्त रहूं कि दूसरे डोज पूरा होने के बाद जो इस वायरस का जो कुप्रभाव है, जो बहुत सिवेरिटी जो देता है, उससे मैं कम से कम 6 महीने प्रोटेक्शन हासिल कर पाऊंगी? क्योंकि यही एक सवाल है जिसकी वजह से लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वैक्सीन के लिए जाएं या न जाएं। ये हेजिटेंसी का बहुत बड़ा कारण हिंदुस्तान में हो रहा है। बिल्कुल, कोई भी हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए। जो भी वैक्सीन सभी बनाए गए हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या और भी नए कैंडिडेट्स वैक्सीन्स के जो आ रहे हैं, अभी तक तो सभी वैक्सीन्स की स्टडीज से यही लगता है कि वो बहुत प्रभावी हैं, बहुत इफेक्टिव हैं
अगर ये वेरिएशंस भी हो जाते हैं वायरस में तो थोड़ी सी क्रॉस इम्यूनिटी रहती है एक स्ट्रेन से दूसरी स्ट्रेन तक, और आपको एक गारंटी मिल सकती है कि आपको सीवियर इलनेस नहीं तो डेथ नहीं होगी। माइल्ड इलनेस इन्फेक्शन हो सकता है पर इसकी ट्रांसमिशन भी थोड़ी सी कम करता है थोड़े से वैक्सीन्स। तो वैक्सीन तो लेना ही है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा सीवियर इलनेस से, हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए। और बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन है, शायद लेस देन 5% जिनको एक वैक्सीन शायद न काम करे, तो उनके लिए दूसरे वैक्सीन्स बाद में काम कर सकते हैं, पर वो प्रोपोर्शन बहुत कम है। मोस्ट वैक्सीन 6 months तक बहुत अच्छा काम करेंगे, अभी तक के डेटा से तो ऐसा लगता है। तब तक शायद आपको बूस्टर्स आ जाएंगे, दूसरे वैक्सीन्स आ जाएंगे, तो आप अपना बूस्टर बाद में रिपीट कर सकते हैं। कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, प्लीज जाइए वैक्सीन लीजिए अपनी और अपनी फैमिली और रिलेटिव्स की प्रोटेक्शन के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी लहर को लेकर सरकारी आकलन बुरी तरह से फेल हुआ है। इसी वजह से ना तो सरकार ने ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की व्यवस्था की, ना ही अस्पतालों में ICU बेड लगाए गए। लेकिन तीसरी लहर को लेकर सरकार को अभी से तैयार रहना होगा। जैसा कि एक्सपर्ट्स ने चेतावनी जाहिर की है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं, ऐसे में अभी से बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा कोविड केयर यूनिट लगाना जरूरी है, वरना हालात बहुत भयावह हो सकते हैं। कोरोना की आशंकित तीसरी लहर पर हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।